It's called Sheep Island because back when Vikings were raiding here, locals would have put their sheep across there to try and prevent the Vikings coming ashore. Didn't matter, they still did, but that's how it gets its name. Sheep Island. You will see this quite clearly at the rope bridge. We're 15 minutes early, guys. You've been really smack on time. It's only a little bit again for people running late, but we're really early. I'm just hoping they'll give us the tickets, but we'll see. No biggie for that. We'll be prepared, ready to go. They only let 240 people cross the rope bridge if we are. That's why this system is in place. 3-4 years ago, actually, we could have turned up at any point, crossed the rope bridge. And we thought what that was. We had sort of half hour, 45 minute delays. But ideally, we're trying to run a tour, get everything fitted in. So, let's put this new system in place. 240 people every hour. It works. Certainly does work. हम मतलब वो टूर वाला हमको कैसल नहीं लेके गया. कौन सा कैसल था अभी भी? हाँ, मुझे उसका नाम नहीं याद आ, मतलब याद नहीं रहता. यहाँ भी कुछ है क्या? सो फाइनली हम आ गए हैं. तो वो कैसल पे सिर्फ उसने स्टॉप लिया था, तो हमने दूर दूर से पिक बस क्लिक करी है, तो वो हम आपको वीडियो में इंसर्ट कर देंगे कि वो क्या था. बाकी अभी हम कहाँ है विकास? नहीं, रोप ब्रिज बोलते हैं इसको. हाँ, रोप ब्रिज तो बस उसको बोलते हैं. जगह को भी कुछ बोलते हैं. हाँ. यार एक्चुअली हमें नाम नहीं पता. सॉरी. सो एक्चुअली हम जिस जिस जगह पे आए हैं ना, उस जगह के नाम हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सो दैट कि आपको पता चल जाए एटलीस्ट सही से नाम. सो अब हम आए हैं जिस जगह पे रोप ब्रिज पार करने के लिए, उसकी टिकट लगती है तो हमारे बस में इंक्लूड थी. अब हम उसी के लिए जा रहे हैं, बट यहाँ कम से कम 2-3 miles वॉक करके जाना है. उसके बाद वो हमको रोप ब्रिज मिलेगा एंड देन हम जा पाएंगे. और अभी यहाँ पेड़ आगे नहीं थे, हम दिखाते हैं यहाँ से कितना सुंदर समुंदर लग रहा है. सो हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी जो हमने इंस्टाग्राम पे डालेंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो हमारी पिक्चर्स को. हम वीडियो भी ऑन और वीडियो भी बनाया है, वो बना रहे हैं. सो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. बट बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू अभी आएगा वहां से, तब दिखाएंगे. अच्छा विकास एक बात बताओ, बीच को बीच क्यों बोलते? बीच को बीच क्यों बोलते हैं? मुझे नहीं पता, तुम बताओ. बोलो. बीच में होता है इसलिए. बीच मतलब? अरे देखो मैं बता दूँ, कोई जगह जो भी समुद्र के बीच में जो जगह होती है, पानी जोड़ती है, मतलब किनारा. आई डोंट थिंक सो, ये तुम्हारी बनाई डेफिनेशन है. नहीं, ये देखिए आप लोग को नीचे दिख रहा होगा. तो फिर हम चलते हैं बैक करके थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं.
गाइस हमने रोप ब्रिज पार कर लिया है और ये है वो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बिकॉज भी उसका वीडियो बना रहा है। ये पार करके हम आए हैं। बहुत स्कैरी था, बहुत ज़्यादा विंडी तो नहीं था आज, बट ठीक ठाक विंडी था, बट व्यू बहुत अच्छा है पीछे। यू कैन सी विकास फोटो और आपको ब्रिज भी दिख रहा होगा। यहाँ पे पूरा समुंदर है, सी पूरा, और हम एक छोटे से आइलैंड पे हैं जो कनेक्टेड है। सो हम आगे चलेंगे, इट्स वेरी स्कैरी है ना। बीच में जब गया था ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पीछे से लोग आने चालू हो गए थे ना, आ रहे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बट विकास को नहीं लगा डर। अच्छा, पीछे देखिए, और हम ये छोटे से आए हैं। कौन सा गाइज, हम रोपवे हो आए हैं और आपको मैं रोप ब्रिज दिखाती हूँ। ये है, सी दैट वन, ये ब्रिज क्रॉस करके हम वो वाले आइलैंड पे आए। मेरा हाथ खराब है, ये वाला आइलैंड गए थे, बहुत मज़ा आया है जाने में। सो बिल्कुल बर्थ प्लेस है जाने के लिए, हमें बहुत मज़ा आया। अभी 3:00 हो गया, मैं 3:30 तक वापस बस में जाना है, क्योंकि उसने टाइम दिया था 3:30 का। तो अब हमारे पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और हमें जल्दी जल्दी जाना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लंबा है, मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट 2.5 माइल होगा आई थिंक। तो ये एक्चुअली ये जो है ना, ये दो ही यहाँ के बहुत सबसे बड़े अट्रैक्शन थे, एक जो हम लास्ट अभी गए हुए थे जायंट कॉज में, और जो दूसरा ये है, ये रोप ब्रिज। हाँ, ये दोनों और नाम है जो हमसे लेते नहीं, वरना आयरिश में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, वो उसका नाम हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर लिख देंगे स्क्रीन पे दे देंगे। तो और उसके अलावा यहाँ पे वो डगलस कैसल, कौन सा था कैसल, हाँ, है वो बहुत अच्छा एक मतलब अट्रैक्शन है था, बट उसमें हमको दूर से ही फोटो क्लिक करने में, और हम इस डिलेमा में थे शायद हम वहाँ जाएंगे, तो इसीलिए हमने वहाँ वीडियो भी नहीं बना पाया, बट इसके हम फोटोज ऐड कर देंगे अपने वीडियो में, सो दैट हाउ इट विल लुक लाइक, तो वो दिख जाएगा। सो बस अब हम जल्दी जल्दी से है ना विकास, जल्दी, क्योंकि यहाँ ना बहुत बारिश होती है, तो सारी जगह पानी होता है, काफी स्लिपरी होता है, दैट्स व्हाई हम अभी वीडियो को ऑफ करते हैं। टाइम हो रहा है वैसे भी बस जाने का, तो हम सोच रहे हैं आइसक्रीम खाएं और बस में बैठे मतलब। हेलो गाइस, सो फाइनली हम बस में घूमते घुमाते चलते चलाते अब यहाँ पर आयरलैंड में एक छोटे से टाउन में आए हैं, जिसका नाम है कानलो हार्बर। हाँ, वो लिखा ना कानला, हाँ कानला हार्बर, मतलब CARNLUGH। तो ये जो हार्बर है यहाँ पे, एक्चुअली आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारी बोट्स रखी हुई हैं। ये आयरिश सी है, आयरिश। तो अभी से पहले जो हम सुबह गए थे वो था एटलांटिक,
हाँ, और अब ये आयरिश शुरू हो गया, जो आयरिश ही होता है उसकी खासियत है क्योंकि वो फ्लैट है। हाँ, यहाँ पे बहुत ऊंची वेव्स नहीं है। हाँ, काफी फ्लैट है और बोलते हैं इसमें सील फिश और वो सब भी होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं, कभी कभी देखने का मौका मिल जाता है, ऐसा हमारे ड्राइवर ने बताया। और ये आप देखिए हमारे पीछे बहुत सारी बोट्स रखे हैं, एंड द वन स्पेशल थिंग दैट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप ये हमारे पीछे एक ये सेमी सर्कल वाला जो ये राउंड देख रहे हैं, तो ये जो राउंड है इधर पे एक्चुअली गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी, जिसमें आर्या स्टार्क यहाँ से वापस आई थी, आई डोंट नो कहाँ से, किसी सीजन 6 में जब वो जंप की थी पानी में एंड यहाँ से वापस आई थी। 6 में नहीं, ओ तो कौन से में? हाँ हाँ, तो इधर पे शूटिंग हुई थी। वैसे हम आपको बताना भूल गए, नॉर्दर्न आयरलैंड में हर जगह ही गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई है, और जायंट कॉजवे में भी हुई थी, रोप ब्रिज में भी हुई है, एवरीवेयर, मतलब देयर इज नो प्लेस रिमेन, मतलब मोस्ट ऑफ बीच में भी एक दो प्लेस उन्होंने बताए जहाँ पे हुई थी शूटिंग, वहाँ रुकी नहीं बस, क्योंकि एक दिन तक कवर नहीं हो पाता, और वहाँ पे लिखा हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स की, देखो शूटिंग का। हाँ लिखा, यस या वो वहाँ पे आइए, हम आपको उसका भी थोड़ा सा दिखाते हैं। So see this. इसमें लिखा है Game of Thrones film at Canlaw. तो इसमें लिखा है Bravos Canal. जब वो टू फेसेस के पास आई थी ना, टू फेसेस के बाद वो यहीं से आई थी, तो ये यहाँ से निकली है, ये देखो ये जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी टू फेसेस के पास, तो वो यहीं हुआ है सीन, मतलब जो सभी के नारे हुआ था, तो ये वाला है, ये वाला है that she is getting out from that river. नहीं, और ये वाले सीन भी है ना, वो भी सी टाउन के हैं। हाँ, पता तो मैं ये यहाँ जब उसको ट्रेनिंग दे रहे थे ना, वो भी सी टाउन के सीन है। काफी ब्यूटीफुल टाउन है, और हम गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हैं तो हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो आपको दिखाते हैं पीछे भी ब्यूटी काफी अच्छी है। लेट मी गिव यू अ व्यू फ्रॉम बैक। हमारे बीच में काफ़ी डेस्टिनेशंस पड़ी थी, बट उसमें बस रुकी नहीं, उन्होंने ऐसे वैसे ही बता दिया, तो हम वही देखते आए। और बहुत ही अच्छी रोड ट्रिप थी ये, आई मीन यहाँ से ना पूरा जो एंट्रिम कोस्टल एरिया है पूरा ड्राइव करते हुए हम आए, और अब हम आए हैं ये कैसल, क्या नाम है इसका तो पढ़ते नहीं बन रहा ना, इसमें उल्टे ये कैसल आए हैं, ये भी काफी फेमस कैसल है, बट बेलफास्ट के पास ही है वैसे। हाँ, ये बेलफास्ट से बहुत पास है, अगर आप नॉर्मल यहाँ नहीं भी जाए तो बेलफास्ट से आ सकते हैं, काफी पास है, और इसका व्यू आपको पीछे से विकास देगा। और फिलहाल अब हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हैं, और ऐसा लग रहा घर जाने का मन हो रहा है, बट ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद हम सीधा एयरबीएनबी जाएंगे, लाइक घर मीन्स एयरबीएनबी जाएंगे, और बस वहाँ पे अब डिनर में तो पता नहीं क्या करेंगे आज, वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, खाने की तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतनी बार आइसक्रीम खाई ना हम लोगों ने, दो बार आइसक्रीम खा ली तो अभी इच्छा नहीं है। सो इट्स नाइस, वेरी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा ये समुंदर के किनारे ही बना हुआ है, ये पीछे ये जो है पूरा समुंदर है, ये आयरिश सी है, सो ये सी काफ़ी ज़्यादा ठहरा हुआ पानी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, बट ड्राइवर बोल रहा था कि विंटर्स में कभी कभी जो हम जिस एरिया से आए हैं, मतलब जिस रोड से आए हैं, उसमें क्या होता है पानी आ जाता है, तो वो एरिया बंद होता है, सो अदरवाइज़ यहाँ पे नॉर्मल मार्च से लेकर अक्टूबर तक तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है, तो कोस्टल एरिया ओपन होता है, इसलिए हमें मिल गया मौका, मतलब सारा कोस्टल एरिया से आए हम, लाइक कि रोड के जस्ट बाजू में समुंदर था, बहुत अच्छा एरिया था, मतलब बहुत अच्छी ट्रिप थी, बहुत अच्छा लगा हमें आके, सो अच्छा है। पीछे से विकास आपको इसका व्यू देंगे, अंदर जाना अभी जाने के लिए ये मतलब बंद है, आई डोंट नो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है इसीलिए कैसल अभी बंद है, नहीं तो अदरवाइज हम अंदर जाते, बट अब कैसल बंद है, तो बस हम बाहर से कुछ पिक क्लिक करेंगे,
और उसके बाद यहाँ से सीधा बेलफास्ट जाएंगे। यहाँ से 15-20 मिनट, आई थिंक 20-25 मिनट लगेगा हमारे घर के लिए। सो फिनिश हम यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ उतरने के बाद करेंगे बस से। ओके, सो ये है पीछे कैसल, ये मेन यहाँ से है। बाकी पीछे से व्यू आपको विकास दे देगा कुछ थोड़ा बहुत, पीछे समंदर है। वैसे हम पिक्स डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे लेते नहीं बन रहा है व्यू कुछ खास, कुछ पिक्स डाल देंगे हम इसके बाद में। बाकी यही है मेन, वो एक वो बनी हुई है जो अपने इंडिया में हाथ ठेला टाइप होता है ना, उसमें फ्लावर्स बने हुए हैं पीछे ऑरेंज कलर का, तांगा टाइप का। हाँ तांगा टाइप का, जिसमें घोड़े लगे होते हैं ना, तांगा टाइप का। हाँ तो वो विकास डाल देगा। नाउ वी आर थोड़ी सी पिक क्लिक कर लें, देन आपसे अब बाद में मिलेंगे इसके बाद। ओके बाय। गाइज हम घर आ गए हैं, तो उन्होंने हमें जहाँ से पिक किया था वहीं से ड्रॉप किया है, और ड्रॉप होने के बाद 10 मिनट का वॉक था तो हम करके आ गए हैं। और मेरा मस्कारा भी लगा हुआ है अभी तक, ब्लू कलर का मस्कारा लगाया था आज मैंने, दिख रहा है क्या? हाँ विकास भी आ गया। सो हम बस अभी चाय पी रहे हैं, विकास चाय बना रहा था क्योंकि यहाँ पे केटली वाली चाय बना रहा था, तो थोड़ा सा मन करता है बाहर से आने के बाद। बच्चा अच्छा मौसम था, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा दिन गया हमारा, पूरा दिन बहुत अच्छा गया। बहुत ज्यादा टायरिंग भी नहीं था ना, मतलब अच्छा था, बहुत ज्यादा नहीं थके हम, तो अच्छा लग रहा है। सो अब हम आपसे मिलेंगे कल, आज का डे तो फिनिश हो गया है, और अभी हम मतलब लाइक अब ये वाला ब्लॉग यहीं फिनिश करेंगे। तो हमारा ये डे टू हो गया है, हम 3 दिन के लिए आए हैं बेलफास्ट में। सो 2 दिन हो गए, अब कल हम कहाँ जाएंगे वो भी हम आपको कल बताएंगे। सो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।